इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 18। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है एलिना एलारिक से मिलने जाती है उसके घर पर। वो जा करके डोर नॉक करती है और तभी वो डोर खोलता है डेमन। डेमन को देखकर एलिना कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डेमन कहता है कि आज एलिना एलारिक डे नहीं है और तुम उससे नहीं मिल सकती हो क्योंकि वो आज रेस्ट कर रहा है। ये सुनकर सिचुएशन को समझते हुए एलिना डेमन को एक पाउच देती है। डेमन कहता है क्या इसमें मफिन्स हैं, लेकिन एलिना कहती है नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो उसे वो पाउच देकर वहाँ से चली जाती है और तभी डेमन डोर क्लोज करता है और कहता है कि 1 2 3 और अब वो चली गई। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ एलारिक और स्टेफन खड़े थे और वो उस वाइट ओक ट्री के बोर्ड को लेकर के उसमें से काफ़ी सारे डैगर और काफ़ी सारे वुडन स्टिक बना रहे थे शार्प, जिससे वो ओरिजिनल्स को मार सकें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलिना जाकर कैलाइन से मिलती है और कैलाइन से मिलकर वो उससे कहती है कि एलारिक ने ही उन सभी लोगों का मर्डर किया है। जो सुनकर कैलाइन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और इमोशनल हो जाती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि एलारिक ही मेरे डैड का मर्डरर है। ये सुनकर एलिना उसे शांत करती है और कहती है कि इसमें एलारिक की कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कि एलारिक की तो छोड़ो, डेमन स्टेफन मेरी तुम्हारी किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उस रिंग की वजह से हुआ जिससे एलारिक की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो गई एक डार्क साइड में और उसने ये सब कुछ कर दिया। कैरलाइन उसकी बात समझती है और उससे कहती है तुम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो और तुम लोगों की फीलिंग्स को समझती हो और उन्हें बहुत हेल्प करती हो। वहीं थोड़ी देर में वहाँ पर मैट आ जाता है और मैट आकर उनसे कहता है कि उसे डेमन और स्टेफन ने यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया है, जिस पर एलिना और कैरलाइन कहते हैं कि हाँ उन्होंने हमें भी बुलाया है। और तभी वहाँ पर स्टेफन और डेमन आते हैं। वो लोग आते हैं और आकर के उनसे कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बिजी थे वाइट ओक ट्री के वुड से स्टिक्स बनाने के लिए। ये सुनकर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास ओरिजिनल को मारने का हथियार है, जिस पर वो कहते हैं एक नहीं बल्कि सबको मारने के लिए और सबके पास के लिए अलग अलग हथियार है। वहीं डेमन एक स्टिक से भरा हुआ बैग उनके सामने फेंक देता है और कहता है कि सब लोग एक एक ले लो और चूज कर लो कौन किसको मारेगा। वो सब प्लान करते हैं और कहते हैं सबसे पहले हम रेबेका को मारेंगे, जिस पर डेमन कहता है हाँ उसे मारना ईजी होगा, वो एक अटेंशन सीकर है और अगर उसको थोड़ा सा भी बहलाओ फुसलाओ तो वो ज़रूर आ जाएगी। जिस पर कैरलाइन उससे कहती है हाँ तुम उसे ज़रूर मार लोगे, आखिर तुम उसके साथ सोए जो। ये सुनकर एलिना को हंसी आ जाती है और तभी दूसरी तरफ डेमन कहता है कि ठीक है कैरलाइन मारेगी क्लॉस को और मैट मारेगा रेबेका को। ये सुनकर कैरलाइन कहती है कि मैं ही क्लॉस के पास क्यों जाऊँ, जिस पर डेमन कहता है कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। और ये सुनकर कैरलाइन को थोड़ा सा अशेम्ड फील होता है। तभी दूसरी तरफ एलिना कहती है कि मैं ज़रूर रेबेका से बदला लूँगी और उन सभी ओरिजिनल्स के, क्योंकि उन्होंने बानी की मॉम के साथ जो किया वो बहुत गलत हुआ है। वो लोग प्लानिंग बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से स्टेक करना है एक वैम्पायर को। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ फिन जंगल में जा रहा होता है, तभी क्लॉस उसके पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि मुझे मॉम का पता चाहिए वो कहाँ पर हैं, जिस पर फिन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो कहाँ पर हैं और अगर जानता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, जिस पर क्लॉस कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिन के मना करने पर क्लॉस कहता है कि तुम जानते हो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, जिस पर फिन कहता है हाँ और मुझे मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे और हम सारे सिबलिंग्स मर जाएंगे क्योंकि हम सब एक साथ कनेक्टेड हैं। ये बात सुनकर क्लॉस को काफ़ी गुस्सा आता है और फिन आगे बढ़ने लगता है। तभी आगे से रेबेका आ जाती है और फिन को रोकती है। रेबेका को देखकर फिन उससे कहता है कि तुम भी अब इसका साथ दे रही हो, इसका जिसने हम सबको कॉफिन में बंद करके रखा था, जिस पर रेबेका उससे कहती है कि उसने हमें सिर्फ बंद करके रखा था और तुम तो हमें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो कहती है कि तुम्हें हमारे साथ में चलना ही होगा। वो दोनों मिलकर उसे ज़मीन पर दो बार पटकते हैं जिससे वो सेंसलेस हो जाता है। वो उसे अपने घर लेकर जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उससे कहते हैं कि उनके पास विच है जो उनके कनेक्शंस को ब्रेक कर सकती है और उन्हें अनलिंक कर सकती है। फिर उनकी हेल्प करने से मना करता है, लेकिन क्लॉस उससे कहता है कि वो हेल्प करवा के मानेगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ फिन देखता है सेज उसके सामने खड़ी होती है और वो उसे हक करता है और सेज उससे कहती है कि मैं तुम्हारे 900 सालों से मैं तुम्हारे इंतजार में थी और अब तुम आ गए हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वहीं डेमन उन ओक ट्री के स्टिक्स को जलाने वाली लकड़ियों के बीच में छिपा रहा था, जो देखकर एलारिक हंसते हुए कहता है कि तुम फिर से ऐसी बेवकूफ़ी जगह पर उसे छुपा रहे हो जैसे कि तुमने मूनस्टोन को एक सोप के बॉक्स में छुपा दिया था। डेमन कहता है कि नहीं यहाँ पर होने का कोई भी शक नहीं कर सकता इन्हें। और तभी डेमन बाहर जाने लगता है और उसे लगता है कि कोई चीज़ गिरी है और जिस पर वो देखता है कि एलारिक को किसी ने छत से फेंक दिया है। एलारिक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और डेमन जैसे ही डोर पर जाता है वहाँ रेबेका आ जाती है और डेमन को एक नाइफ मारकर वहाँ से उसको उठा ले जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका ने डेमन को अपने घर पर ले जाकर बांध दिया था और वो उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया, मुझे यूज़ किया और मुझे बेड तक ले गए और फिर तुमने सेज की हेल्प करके मेरी मेमोरीज़ को रीड किया उन सब बातों को जानने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ सेज के साथ में फिन होता है एक जंगल में और वहीं पर एलिना अलारिक और कैरलाइन पहुँच जाते हैं। वहीं एलिना कैरलाइन से कहती है कि मैं बानी को कॉल कर रही हूँ बट वो आंसर नहीं कर रही,
जिस पर कैरलाइन कहती है कि तुम्हें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसकी मॉम उसे छोड़कर जा चुकी हैं तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। वहीं एलिना देखती है फिन को और वो देखकर शॉक रह जाती है कि फिन यहीं पर है। ये चीज़ देखते ही वो स्टेफन को कॉल करती है, कहती है कि फिन अभी भी टाउन में है और वो शायद से अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में है। जो सुनकर स्टेफन सोचता है कि वो 900 सालों से कॉफिन के अंदर बंद था, तो आखिर उसकी एक्स कहाँ से आ गई। वो समझ जाता है कि वो सेज है और एलिना से कहता है कि तुम वहाँ कुछ भी हरकत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सेज 900 साल पुरानी वैम्पायर और काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम लोगों को एक झटके में मार देगी। एलिना उससे कहती है कि तुम डेमन को लेकर यहाँ पर आ जाओ, अब फिन अकेला हो चुका है और हम उसे आसानी से मार देंगे। वहीं स्टेफन डेमन से मिलने के लिए जाता है और तभी वो वहाँ देखता है कि डेमन नहीं, वहाँ एलारिक होता है जो फ्लोर पर पड़ा होता है इंजर्ड। स्टेफन उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर एलारिक बताता है कि ये सब रेबेका ने किया है। रेबेका डेमन को टॉर्चर करती है और उसकी आर्टरीज में कट लगाती है। वो कहती है कि जैसे ही तुम्हारी बॉडी से व्रेवेन निकल जाएगा मैं तुम्हें कंपेल करूंगी तुम्हारे भाई या फिर एलिना को मारने के लिए। वहीं क्लॉस आता है और रेबेका से कहता है कि तुम्हें इसको उल्टा लटका कर टॉर्चर करना चाहिए, जिस पर गुस्से में वो क्लॉस से कहती है कि मुझे मत सिखाओ कि किसको कैसे टॉर्चर करना है। क्लॉस वहां से जाता है और हम देखते हैं कि क्लॉस ने बानी को किडनैप कर रखा था। वो बानी से कहता है कि क्या तुम्हें ये स्पेल मिला, जिस पर बानी कहती है कि ये स्पेल काफी बड़ा है और मैं अभी तक सीख रही हूँ, मैं ये स्पेल नहीं कर सकती हूँ। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि शायद से तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। और क्लॉस कोल को वीडियो कॉल करता है। कोल को वीडियो कॉल करके वो बानी को दिखाता है कि देखो तुम्हारा एक फ्रेंड है। जहाँ हम देखते हैं कि जर्मी कोल के साथ में है और उसने एक डॉग ले रखा है। ये देखकर बानी काफी ज्यादा डर जाती है। क्लॉस उससे कहता है कि अब अगर तुम्हें कोई बचाने भी आया मैं उसे मार दूंगा, और अगर तुमने जल्द से जल्द स्पेल नहीं ढूंढा तो जर्मी भी नहीं बचेगा। ये सुनकर बानी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो स्पेल ढूंढने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना पहुंच जाती है डेमन को ढूंढते ढूंढते, और वो डेमन को खोलने वाली होती है। तभी डेमन उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेबेका यहाँ आ गई तो वो एलिना को मार दे। एलिना काफी मुश्किल से डेमन को वहां से बचा के निकाल लेती है और उसको अपने ब्लड पर फीड करवा के उसको थोड़ा स्ट्रांग करती है और उससे आई लव यू बोलती है। लेकिन तभी डेमन की आंख खुलती है और वो देखता है कि ये सारा विजन उसे रेबेका दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर फिन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था सेज के साथ में, और वो दोनों बात कर रहे थे, और वहीं पर स्टेफन और एलिना थे मैट के साथ में उसको मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस आता है बानी के पास और आकर के उसे अपने सारे सिबलिंग्स और खुद का ब्लड देता है और कहता है तुम्हें ये ब्लड चाहिए और तुम्हारे पास गिलमोर है और तुम बस अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करो। वो स्पेल कास्ट करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफन ब्रुवेन मिला देता है उन दोनों की ड्रिंक्स में, जिससे उनका मुंह जलने लगता है। और वहां से जैसे ही फिन उठकर आगे बढ़ता है, स्टेफन उसकी तरफ ओक ट्री से मारने वाला होता है, तभी बीच में सेज आ जाती है और वो ओक ट्री की स्टिक उसके हाथ से गिरकर स्टेयर्स पे गिर जाती है। जैसे ही फिन जा करके वो स्टिक उठाने वाला था, तभी तक वहां पर डोर ओपन करके एलिना आती है और सीधे ही एक एरो मारती है फिन के, जिससे वो थोड़ा सा कमजोर होता है। और तभी मैट आकर के एक ओक ट्री घुसा देता है सीधे फिन के, और ये होते ही फिन वहाँ पर गिर जाता है और मरने लगता है। उसके पास सेज जाती है और सेज काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और ये देखकर स्टेफन, एलिना और मैट तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सेज के सामने फिन वहीं जलकर मर जाता है और सेज काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती मैं तुमसे आज ही मिली थी और तुम आज ही मर गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिन के मरने के थोड़ी देर पहले ही बानी उन लोगों को अनलिंक कर चुकी थी। बानी को वो लोग वहां से जाने देते हैं और बानी भी देख लेती है कि डेमन को वहां पर टॉर्चर कर रही थी रेबेका। बानी बाहर आते ही एलिना को कॉल करती है और वहीं एलिना खुश होकर बानी से कहती है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फिन को मार दिया है और जल्द ही क्लॉस भी मर जाएगा। बानी कहती है कि क्लॉस ने उसे धमकी दी है जेरेमी और उसकी मॉम को मारने की, जिस पर एलिना कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमने फिन को मार दिया और अब क्लॉस नहीं बचेगा। जिस पर बानी कहती है कि मैंने उन लोगों को अनलिंक कर दिया है और क्लॉस को अब कुछ नहीं होगा, और ये बात सुनकर एलिना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाती है सेज अपने एक फ्रेंड ट्रॉय को लेकर के। वो आ करके कहती है कि मैं यहाँ कैरलाइन, एलिना किसी से भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टेफन से बदला लेने आई। वो स्टेफन को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन तभी सेज की बॉडी येलो पड़ने लगती है और उसके नाक से ब्लड आने लगता है। वो ट्रॉय को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन ट्रॉय की भी सिचुएशन सेम होती है और दोनों वहीं मर जाते हैं। ये चीज़ देखकर स्टेफन शॉक्ड रह जाता है और वहीं कैरलाइन कहती है क्या ये वेयरवुल्फ बाइट है, जिस पर स्टेफन कहता है नहीं ये नहीं है। और वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग फिन के ब्लड लाइन के थे और जिस भी वैम्पायर की ब्लड लाइन से जो भी वैम्पायर्स कन्वर्ट होकर के बने हुए हैं, उस ओरिजिनल के मरने से वो सारे वैम्पायर्स मर जाएंगे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सबको मार दिया होता तो पूरी की पूरी वैम्पायर स्पीशीज खत्म हो जाती। तभी वहाँ पर से स्टेफन सारे के सारे ओक ट्री के स्टिक्स लेकर के क्लॉस के घर जाता है और जाकर उनके सामने वो स्टिक्स फेंकता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई फिन को मार दिया है और मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, तो अगर तुम मुझे डेमन को वापस करो तो मैं तुम्हें ये सारे स्टिक्स दे दूंगा। वो डेमन को हिप्नोटाइज करता है और उसे उसके साथ जाने के लिए कहता है। वहीं बदले में स्टेफन उसे वो सारे स्टिक्स दे करके डेमन को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कैरलाइन और एलिना बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं
कि उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 स्टिक्स बाकी हैं जो उन्होंने बचा ली थी, और अब उन्हें बस ये पता करना है कि उनकी ब्लड लाइन किस वैम्पायर से ओरिजिनेट हुई है, और फिर वो जान पाएंगे कि उन्हें किसको किसको मारना है। ये बात सुनकर एलिना कहती है कि तुम ये बात कैसे पता करोगी, जिस पर एलिना खुद ही बोलती है कि शायद से मुझे पता है, डेमन और स्टेफन को टर्न किया था कैथरीन ने, और डेमन स्टेफन से ही कैलाइन भी टर्न हुई है, कैथरीन को टर्न किया था रोज ने, और उन्हें बस ये पता करना है कि रोज को किस ओरिजिनल वैम्पायर ने टर्न किया था, और इससे पता चल जाएगा कि आखिर उनमें से कौन है जो कि ओरिजिनल्स में से इन सभी के ब्लड लाइन को कनेक्ट करता है और जिसको मारने से ये सब मर सकते हैं। वो दोनों बैठकर प्लानिंग करते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि क्लॉस ने टर्न किया था टाइलर को, और अगर उन्होंने क्लॉस को मारा तो टाइलर भी मर जाएगा। ये बात से काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो दोनों। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन को लेकर स्टेफन घर पहुंच जाता है, और डेमन वहां से सीधे चला जाता है एलारी के घर पर बाकी बचे हुए स्टिक्स लेने के लिए। स्टेफन अलीना से बात करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी दूर करने की कोशिश की लेकिन तुम हमेशा मेरे पास आती रही। वहीं अलीना भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वहीं पर स्टेफन कहता है कि क्या तुम अभी भी डेमन से प्यार करती हो, जिसका जवाब अलीना नहीं देती है, और स्टेफन काफ़ी जोर दे करके पूछता है कि क्या तुम अभी भी अलीना अभी तुम डेमन से प्यार करती हो, जिस पर अलीना कहती है कि ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उन दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस मोमेंट क्रिएट होता है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन अलारिक के घर जाता है वो स्टिक्स ढूंढने के लिए। डेमन अलारिक से वो स्टिक्स मांगता है और वो कहता है कि वो उन बुक्स के पीछे रखी हुई है। बुक्स के पास वो लोग स्टिक्स ढूंढते हैं लेकिन वहाँ नहीं मिलती है, और तभी अलारिक स्माइल करता है और कहता है कि मुझे ही पता है वो स्टिक्स कहाँ है और मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। डेमन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि शायद से तुम्हारी ये वैम्पायर हेटिंग अल्टर ईगो फिर से ट्रिगर हो चुकी है, और अब मुझे बताओ प्लीज कि स्टिक्स कहाँ पर हैं। जिस पर एलारी कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा और मैं तुम्हें कोई भी स्टिक्स नहीं देने वाला। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 18 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।